Hello friends, welcome to Macnotech YouTube channel. Friends, today we are going to start a new subject that is called the mechanical measurement and metrology. So metrology is new word for us. So what is the meaning of metrology? Metro, it means the measurement, and logy, it means the science. So it is nothing but it is a science of measurement. Or ye jo metrology hai वो इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, मेडिकल मेट्रोलॉजी, इस तरह से बहुत सारे फील्ड में वो डिवाइडेड होता है. ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम वर्नियर, माइक्रोमीटर. ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी. मेडिकल मेट्रोलॉजी इन द सेंस कि अगर आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, आप अपना शुगर चेक कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक मेजरमेंट है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द मेडिकल मेट्रोलॉजी. ओके, सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, राइट. सो हर एक का एक एक अलग अलग यूनिट होता है. इट मस्ट बी इन अ यूनिट फॉर क्वांटिटी टू बी मेजर्ड. ओके, एंड हर एक यूनिट का जो है उसको एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रहता है, जैसे कि मीटर है, सेंटीमीटर, इंच. ठीक है, तो एक वो एक स्टैंडर्ड में रहता है. ठीक है, नाउ इन अ ब्रॉडर सेंस मेट्रोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू द लेंथ एंड एंगल मेजरमेंट. जैसे कि यहां पे कहा है कि मेट्रोलॉजी सिर्फ लेंथ और एंगल मेजरमेंट से लिमिटेड नहीं है, बट इट्स एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द मेजरमेंट. तो फ्रेंड्स, ये जो है इंट्रोडक्शन जो है मेट्रोलॉजी का, वो 3 मार्क्स में आ सकता है, जिसपे आप डेफिनेशन और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मैं बाकी का जो बोलूँगा वो आप लिख सकते हो. जैसे कि यहाँ पे एरर मेजरमेंट, ठीक है, वो भी हमें देखना पड़ेगा. मेजरमेंट मेथड्स कितनी है वो देखनी पड़ेगी. देन वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस. ठीक है, सपोज मुझे लेंथ चेक करना है तो लेंथ के लिए आप स्केल यूज कर सकते हो, माइक्रोमीटर यूज कर सकते हो, वर्नियर स्केल यूज कर सकते हो. ठीक है, सो विच इंस्ट्रूमेंट इज प्रिफर्ड फॉर पर्टिकुलर मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस एंड इट्स डिफरेंट टेक्निक्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स केयर एंड देयर एक्यूरेसी एटसेट्रा. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, राइट. नाउ नेक्स्ट इज नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेट्रोलॉजी. फ्रेंड्स, ये जो है अगर आपको 3-4 मार्क्स में आता है इंट्रोडक्शन अबाउट मेट्रोलॉजी, या तो गिव द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट मेट्रोलॉजी, तो आप ये सब लिख सकते हो. तो व्हाट इज द नेसेसिटी, तो यहाँ पे आपको ये वर्ड याद रखना है कि ओल्ड डेज, मतलब कि पुराने दिनों में क्या होता था कि जो क्राफ्ट्समैन जो है, ठीक है, जो क्राफ्ट्समैन है वो ही सब कंपोनेंट्स बनाता था और वो ही असेंबल करता था. अगर कोई कंपोनेंट में कोई ज्यादा या छोटा या बड़ा हो जाता था तो वो खुद ही उसे सॉल्व आउट करके उसे असेंबल करता था. यानी कि एक ही पर्सन, यानी कि जो क्राफ्ट्समैन है, वही कंपोनेंट भी बनाता था, असेंबल भी करता था. नाउडेज अभी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि नाउडेज फ्रेंड्स अब क्या होता है कि हर एक कंपोनेंट, जैसे कि आप एक कार बना रहे हो, ठीक है, तो कार में तो हजारों कंपोनेंट आते हैं. ठीक है, तो 1000 सपोज कंपोनेंट है, तो एक ही कंपनी सब कंपोनेंट खुद नहीं बना सकती. ठीक है, तो वो क्या करेगी, बाहर से सब ऑर्डर करेंगी. जैसे कि पिस्टन कोई बनाता है, पिस्टन रिंग कोई बनाता है, सिलेंडर कोई बनाता है. ठीक है, अब कोई भी सिलेंडर आप उठाओ तो वो कोई भी पिस्टन में लग जाना चाहिए. ठीक है, तो वो उसका मेन थिंग होता है कि आप कोई भी कंपोनेंट कहीं से भी लो, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके मेजरमेंट कंप्लीट फिट होना चाहिए. ठीक है, तो ये जो है अभी जो मास प्रोडक्शन आ गया है, उस मतलब कि यहाँ पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो मास प्रोडक्शन सिस्टम पे चल रही है एंड इज बेस्ड ऑन द इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरर. ठीक है, इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि आप कोई भी कंपोनेंट यहां से उठा लो, कोई भी कंपोनेंट वहां से उठा लो, तो वो असेंबल होने ही है. ठीक है, उसमें जो टाइट फिटिंग होना चाहिए वो सब उस तरह से ही असेंबल होगा जिस तरह से होना चाहिए. आप कोई भी कंपोनेंट उठा लो. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द इंटरचेंजेबिलिटी. ओके, नाउ व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ मेट्रोलॉजी. सो मेट्रोलॉजी कैन बी समराइज, इट इज द टू एंश्योर दैट द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट और कंपोनेंट कंफर्म द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड. मतलब कि जो पार्ट बन रहा है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड डायमेंशन होना चाहिए. टू रिड्यूस द रीवर्क एंड स्क्रैप,
ओके यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन की है, मैं वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उतना ही लिखें, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखी है, टू मीट द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इट्स ऑल्सो हेल्प्स टू टेक द डिसीजन ऑन डिफेक्टिव पार्ट्स, कोई अगर पार्ट है वो कंटिन्यूस डिफेक्टिव आ रहा है तो उस पर भी वो हम डिसीजन ले सकते हैं। इट्स ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द कस्टमर रिलेशन, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो कस्टमर रिलेशन भी अच्छे होंगे। अगर कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बुरी लगी है तो उसका नेगेटिव मार्केटिंग भी ज़्यादा हो सकता है। सो दीज आर द नेसेसिटी। अब अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो नेसेसिटी और ऑब्जेक्टिव कॉमन वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमाइज द कॉस्ट इंस्पेक्शन, देन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन एंड रिवर्क, जो भी यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, डिटरमाइन द प्रोसेस कैपेबिलिटी टू कंप्लीट द इवोल्यूशन ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन स्टैंडर्डाइज द मेजरिंग मेथड्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स फ्रेंड्स। मेक अ डिजाइन फॉर ऑल गेजेस एंड स्पेशल इंस्पेक्शन fixtures, right? So these are the objectives, these are the necessity of metrology. हमें ये metrology subject क्यों पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। So friends, अगर आपको ये video अच्छा लगा तो like कर दीजिए, share कीजिए अपने friends को and subscribe करना मत भूलिए। Thank you, जय हिंद, जय भारत।